तो बच्चों चैप्टर थर्ड हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर फोर हम देख रहे हैं आज, ठीक है। ओके सर। चलिए सभी आ गए। तो देखिए लीनियर इक्वेशंस जो थी हमने क्लास एट्थ में भी पढ़ी थी, अब आप नाइन्थ में आ गए हो, तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास एट्थ में, ठीक है। तो किसी को याद है क्या होती थी वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल? कोई एग्जांपल देके बताओ ज़रा मेरे को, जो भी आपके दिमाग में उससे रिलेटेड आ रहा है ज़रा बताओ। प्लस टू इज इक्वल टू फाइव। अच्छा, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू फाइव, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? ओम पिसाल बेटा है क्या ये? यस सर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या ये? क्यों नहीं है बताओ श्रीजा, क्यों नहीं है? सर है। है? अच्छा, तो ये भाई लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स इज द वेरिएबल। तो ये देखिए पूरी सी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा कोई दूसरा एग्जांपल दो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। कोई दूसरा एग्जांपल दो भाई कोई। सर वाई। हाँ हाँ बोलो बोलो आकांक्षा बोलो। सर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू टेन, ठीक है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गई, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है वाई, ठीक है। यहाँ पे भी एक सिंगल वेरिएबल है। तो अब देखिए इस क्लास में क्या होगा, नाइन्थ क्लास में आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब उसमें क्या होंगे, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको सबसे बेसिक एग्जाम्पल मान लो, ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है मगर यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल है एक्स, दूसरा वेरिएबल है वाई, ठीक है। ऐसे देखिए एक और एग्जाम्पल हो सकता है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू टेन, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। अच्छा आप अपनी तरफ से कोई एग्जांपल दो मेरे को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। एक एक कोई एक बोलो, आप दोनों की आवाज आ रही थी, बोलिए। x + y = 176। चलो भाई x + y = 176, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। देखिए जरूरी नहीं है कि हमें वेरिएबल x और y ही लेना है, हम दूसरे भी ले सकते हैं, जैसे 5s plus 2t equals to 7 मान लो, ठीक है। तो ऐसे हम, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बच्चों। यहाँ पे वेरिएबल क्या है फोर्थ वाली में, फोर्थ वाली इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? s और t वेरिएबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें दी हुई है, देखिए ये जनरल फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, फिर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए आर बी आर नॉट बोथ जीरो, ठीक है। तो ये देखिए इसकी जनरल फॉर्म है बच्चों, देखिए इसको मैं नीचे बताता हूँ, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और a और b कभी भी साथ में जीरो नहीं होंगे बच्चों, याद रख लेना। जो a और b जो हैं इसको कहते हैं हम कोफिशियंट ऑफ x, a को कहेंगे हम क्या कहेंगे, a को कोफिशियंट ऑफ x, इसको बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ x, और b को बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ y, ये है कोफिशियंट ऑफ y, ठीक है। ये y का कोफिशियंट है और ये दोनों कभी भी साथ में जीरो नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। कभी भी एक साथ जीरो नहीं होंगे, हो सकता है कि a जीरो हो मगर b जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो नहीं है
ठीक है, तो बी जीरो हो सकता है, मगर कभी भी ये दोनों साथ में जीरो नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है, कभी भी दोनों साथ में जीरो नहीं होंगे, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये देखिए जनरल फॉर्म है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल वन दिया हुआ है आपकी बुक का, तो ये देखिए क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द स्टैंडर्ड वैल्यूज ए बी एंड सी। तो देखिए जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इक्वेशन है 2x+3y, ठीक है, 2x+3y इक्वल्स टू 4.737। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, हमें इक्वल टू के आगे जीरो चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, इस 4.37 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 4.37 का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1.3। वेरी गुड, माइनस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -4.37। अच्छा, अब ये देखिए इसको मैंने इसको ये लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए कंपेयर करिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करिए इसको। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ऊपर रेड से लिख दिया है, तो आपको क्या लगता है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है? -4.37 सी की आएगी, -4.37। तो इजी है ना ये चैप्टर, ये देखो सिंपल सवाल है इसका, बहुत है ना सिंपल सवाल है, तो आप ऐसे इसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो अच्छा एक और इसका देख लेते हैं एक बार के, कुछ ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही देखिए इसको, जो थर्ड वाला है मैं करा रहा हूँ, तो ये थर्ड वाला देखिए दिया हुआ है 4 इक्वल्स टू 5x-3y। ठीक है, तो हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x-3y इक्वल्स टू 4, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4 का, सर -4, ये -4 हो जाएगा। तो ये देखिए आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 3y-4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी हमको, नहीं बेटा एक्स और वाई की, देखो सवाल ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, इंडिकेट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। ठीक है, बस इसने राइट करने के लिए कहा है कि इस फॉर्मेट में लिखना है बस। ठीक है, जितना बोला गया है उतना ही करेंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ax+by+c=0, तो इसे देखिए अब हम कंपेयर करेंगे, तो बताइए ए बी सी की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, ए की 5 आएगी, बी की 3 आएगी और सी की 4 आएगी, -4 3 आएगी और बी और की क्या सी की आएगी, -4। ठीक लिखा है मैंने, ठीक लिखा है क्या, बी की बेटा -3 वैल्यू आएगी। ठीक है, बी की जो वैल्यू है -3 आएगी, माइनस का साइन नहीं भूलना हमें। ठीक है, तो अच्छा एक और सवाल रह गया उसका, तो ये देखिए 2x-y जो लास्ट वाला पार्ट है वो रह रहा है, तो ये देखिए जो लास्ट वाला पार्ट है 2x=y दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 2x-y=0 हो जाएगा ये, है ना। तो अब इसको यस सर, कंपेयर करेंगे, देखिए ax+by+c=0 से ए की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, टू। बी की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, -y। ये माइनस वाई नहीं है बेटा, बी की जगह देखिए, जब भी मैंने आपको क्लास 8th में भी बताया था, जब भी किसी वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर ना लिखा हो तो उसका मतलब -1। होता है वन होता है, ठीक है, वन माना जाएगा उसके, तो ये -1 है इधर। ठीक है, -1। अच्छा सी की जगह यहाँ पे क्या है, जीरो, कुछ नहीं है ना यहाँ पे, कुछ नहीं है, और कुछ नहीं को हम कैसे डिनोट करते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, है ना, ओके ठीक है, तो समझ में आया, ऐसे हो जाता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो कुछ, अब आपको देखिए अभी शुरुआत में ही बताया था ये कैसी क्वेश्चंस दी हुई हैं आपके सामने, कैसी क्वेश्चन है ये, लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे, टू, दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, कौन कौन से,
नो सर, यहाँ पर वन ही है। एक ही है ना, तो एक ही है देखिए, मगर ये कह रहा है कि आप इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू -5 दिया हुआ है आपको, राइट। अगर मैं -5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा बताओ, +5, ये +5 हो जाएगा, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 0, जीरो जीरो। बच जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमें कह रहा है इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्मेट में इसको लिखना है। देखिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस, इसको मैं जीरो लिख सकता हूँ, यहाँ पे जीरो लिख सकता हूँ, यस जीरो को हम कहीं भी ऐड कर दें, कहीं भी सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अच्छा, सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो मल्टीप्लाइड बाय वाई लिख सकता हूँ ऐसे, है यस ना। तो बस ये हो गई देखिए आपकी, एक्स प्लस 0 वाई इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 0। सर, ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मेट में आ गया। ये जो बीच वाली टर्म है यहाँ पे देखिए, ये 0 हो जाती है, क्योंकि 0 में आप कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो 0 हो जाता है। ठीक है, बोलो। सर आपने वो सेकेंड वाला एक्स प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू, वो कैसे लिया मतलब? बेटा 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो क्या होगा, देखिए 2 को मैं अगर जीरो लिख दूं 2 प्लस 0, तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नो सर, 2 तो 2 ही रहेगा, है ना। तो मैंने ऐसे ही x को x प्लस 0 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको ओके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, बस हाँ y आ गया एक, जो कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही देखिए इस सेकेंड वाला है, देखिए वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। सर, पहले तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड को लाना है। वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे इसको फिर। सर और फिर सर y+0 -2, ठीक है, y को हम लिख सकते हैं, नो 0 प्लस y लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आएगी, वेरी गुड। y+1 = 0, अब 0 × x। 0 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 0x+y -2 = 0। तो ये देखिए आपने इस इक्वेशन को लिख दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन याद रखना, ये हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है, कुछ नहीं होती है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, तो ओके इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो इतना पोर्शन है ये इस पोर्शन के बराबर है। ठीक है, हमने बस उसमें एक 0 ऐड किया और कुछ नहीं किया। तो एक्सरसाइज 4.1 देखिए आपकी है, ये पहला जो सवाल है एप्लीकेशन है, कि जो हम करते हैं सवाल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए उसकी एक एप्लीकेशन है कि कहाँ यूज़ होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, कोई समझाना चाहेगा सवाल में क्या लिखा है। तन्मय जरा समझाओ बेटा, तन्मय डी समझाओ जरा ये क्या लिखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब सर नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। वेरी राइट अ गुड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके। तो देखिए एक नोटबुक है, ठीक है, ये एक नोटबुक है और ये एक पेन है हमारे पास। ठीक है, पेन हो गया ये, तो इसकी जो कॉस्ट है डबल है। ठीक है, तो देखिए नीचे एक हिंट दे रहा है, क्या कह रहा है ये तन्मय बताओ जरा, क्या हिंट दे रहा है। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी वाई। सर नोटबुक की कॉस्ट को हमको एक्स लेना है और पेन की कॉस्ट को वाई। ठीक है, अगर हम देखिए पेन की कॉस्ट को अगर मैं वाई लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, अगर मैं पेन की कॉस्ट को वाई लेता हूँ, ठीक है, तो नोटबुक की कॉस्ट को क्या लेंगे, एक्स एक्स लेंगे। ठीक टू है, एक्स 2x नहीं लेंगे, देखिए। अच्छा एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, ध्यान से सुनो, अगर पेन की कॉस्ट 5 रुपये है, ठीक है, तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपये 10 रुपये। अगर पेन की जो कॉस्ट है वो 11 रुपये है, तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 22 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अगर पेन की कॉस्ट y रुपीज़ है,
तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स टू वाई हो टू जाएगी एक्स ना, टू वाई हो जाएगी। अरे ट्वाइस हो रहा है ना यहाँ पे इसका, तो ये टू वाई हो जाएगी। और इस टू वाई को इसने क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, रुपीज एक्स लिया हुआ है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगी हमारी इसकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी रेट है पेन का, वो उसका डबल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसका डबल हो रहा है यहाँ पे। 5 का डबल 10, 11 का डबल 22, और वाई का डबल 2y। और जो 2y की वैल्यू है, ये इसने कहा है आपको x लेनी है। x क्या है, नोटबुक की कॉस्ट है, तो उससे हमें ये लीनियर इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ये देखिए पहला सवाल है, इसको ध्यान से सोचो एक बार, ये अगर आप समझ जाओगे तो आपको आगे के सवाल और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल किया है वही है ये, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या होगी। इसको सॉल्व नहीं करना है बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं निकालना, अभी सिर्फ ए बी सी की वैल्यू बतानी है और इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं सेकेंड क्वेश्चन से। तो ये देखिए, एक्स माइनस वाई बाई फाइव माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो। तो इसको अगर आप कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपको ए बी सी की क्या वैल्यूज दिखाई दे रही है। इक्वल्स टू जीरो वन ए इक्वल्स टू जीरो है, वन देखिए किसी वन सर भी वन कभी भी जब नहीं लिखा होता कोफिशियंट तो उसको हम वन मानेंगे, ठीक है। अच्छा बी की वैल्यू क्या आई है, सर बी की वैल्यू वाई 5 आई देखिए यहाँ पे जो y अपॉन फाइव लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। अब y अपॉन फाइव जो लिखा हुआ है, ये होता है एक्चुअली 1/5 y, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आप बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, -1/5 -1/5 आएगी, ठीक है, -1/5 आएगी। इसको ध्यान से देखो जो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, -1/5। अच्छा सी की वैल्यू क्या आएगी, -10 माइनस -10 टेन आ जाएगी, ठीक है, -10 आएगी। अच्छा देखिए इस फॉर्मेट वाले तो मैंने आपको करा दिए एग्जाम्पल में, ठीक है, तो ये आप लोग खुद कर सकते हो इस सवाल को कि नहीं कर सकते हो, एबीसी की वैल्यू खुद निकालना है। इसमें बस एक यही मुश्किल था, बाकी और सारे इजी हैं इसके, ठीक है। इसको देखिए बस आपको कंपेयर करना है, 3x+2=0, ठीक है, ये अलग करके एक बार बता देता हूँ। तो इसको आपको कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं, 3x+2=0। तो देखिए इसको जीरो जो यही इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसको आप दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लोगे, 3x+0y लिख सकते हैं इसको, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है इसको दो टू वेरिएबल्स में। अब देखो इसको कंपेयर करोगे आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो फटाफट बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी। सर ए की 1 आएगी, बी की भी 1 ए आएगी, की वैल्यू बी की सी, 0 सी की आएगी, वैल्यू और 0 और अरे ए की वैल्यू क्या सी आएगी, की 2 सर ए ए की की वैल्यू वैल्यू थ्री थ्री 3, बी की वैल्यू थ्री जीरो बी 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 की जीरो वैल्यू वन आएगी 0 आएगी बेटा, बी की वैल्यू सर सी और सी की 2 आएगी टू की 2 आएगी बेटा। जो वाई का देखिए कोफिशियंट है 0 है, यहाँ पे वाई का कोफिशियंट 0 है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए इस बात पे। चलिए इसको ठीक है, वो बाकी के सवाल आप खुद करिए। अब ये देखिए सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पे आते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए जो वन वेरिएबल का था, सबसे बेसिक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं इन वन वेरिएबल, ठीक है, x+3=5। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो मैं आपको से कहता था 8th क्लास में कि इसको सॉल्व करिए और बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो कैसे सॉल्व करते थे हम इसको, और 3 को राइट हैंड साइड में लेके वेरी गुड, 3 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं,
थ्री है हमारा, वो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे हम, ठीक है। थ्री को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, फाइव माइनस फाइव माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू फाइव माइनस थ्री। तो भाई फाइव माइनस थ्री की वैल्यू क्या आएगी, टू। तो हमारा देखिए सॉल्यूशन क्या आया, एक्स इक्वल्स टू टू। इसका मतलब देखिए क्या होता है, x इक्वल्स टू टू का मतलब क्या है, देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है, अगर आप इसमें x की वैल्यू टू पुट कर देते हो, ठीक है, x की वैल्यू अगर आप टू पुट कर देते हो तो ये देखिए क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। टू प्लस थ्री कितना होता है, फाइव। तो देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम वैल्यू आई है, राइट हैंड साइड भी सेम वैल्यू आई है, ठीक है। अगर मैं कहता, मान लो अगर मैं ये कहता कि x इक्वल्स टू वन जो है ये सॉल्यूशन है, तो आप एक बार पुट करके देखो इसमें, ठीक है, x प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव में x की वैल्यू वन पुट करके देखो, तो x की वैल्यू अगर मैं वन पुट कर देता हूँ तो ये देखिए क्या आएगा, ये बताओ, फोर इक्वल्स टू फाइव। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है नहीं होता, ठीक है, ये एब्सर्ड, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने किया और ये फाइव इक्वल्स टू फाइव आ गया। तो ऐसे ही देखिए टू वेरिएबल में क्या होगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल होता है इसमें भी, आप क्या करिए, इसमें एक वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, कोई सी भी एक्स की वैल्यू वन मान लीजिए, एक्स की वैल्यू अगर आप वन मान लेते हो और इसमें पुट कर देते हो, तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में मैं एक्स की जगह वन अब पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने कैसी इक्वेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई। तो फटाफट आप बताओ मेरे को वाई की वैल्यू क्या आएगी, रैशनल नंबर की फॉर्म में आएगा, रैशनल नंबर की फॉर्म में आएगी, टू आएगी, टू अपॉन वन आएगा, नहीं गलत है, नो सर, फोर सर, थ्री। अरे इसको सॉल्व तो करो सर, फोर। अरे इसको सॉल्व तो करो पहले, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इसको सॉल्व करोगे तब आएगा वाई की वैल्यू, ढंग से बताओ, गलत बता रहे हो सारे, सॉल्व करो इसको, दोबारा बोलो क्या बोला, टेन अपॉन थ्री आएगी, किसने बोला भाई, किसका आंसर है ये, हाँ ठीक है। देखिए ये टू राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, देखिए तो ये माइनस टू हो जाएगा, तो ये थ्री वाई इक्वल्स टू टेन आ जाएगा, और वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टेन अपॉन थ्री। तो ये देखिए पहला सॉल्यूशन हमें मिल गया, वन कॉमा टेन अपॉन थ्री, ठीक है आपको बत, ठीक है। तो ये देखिए एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू टेन अपॉन थ्री, ये हमें पहला सॉल्यूशन मिला है। अब देखिए यहाँ पे हमने माना था एक्स इक्वल्स टू वन, हम यहाँ पे x इक्वल्स टू टू भी तो मान सकते थे कि नहीं मान सकते थे, ठीक है, x की वैल्यू हम थ्री भी मान सकते थे, है ना। तो देखिए कुछ भी मान सकते थे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप थ्री मान लेते हो और इस इक्वेशन में पुट कर देते हो तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करो ना, टू आएगी, श्योर, चलिए इसको करते हैं, ठीक है। ये थ्री वाई जो है, थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस सिक्स, ये आ जाएगी सिक्स, थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स, ये आ जाएगी वाई सिक्स अपॉन थ्री, ये आ जाएगी टू। तो आपका आंसर देखिए क्या आया, वाई इक्वल्स टू टू। तो ये देखिए दूसरा सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब ऐसे ही देखिए थ्री की जगह आप कुछ और भी मान सकते थे, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती हैं बच्चों, उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, अनंत सॉल्यूशन होते हैं बच्चों के, ठीक है, या इसको कह देते हैं
यस सर। ठीक है, बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस ये टर्म यूज होती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, ठीक है, इन्फिनिट इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सकते हैं, ठीक है, निकालते रह जाओगे, आते चले जाएंगे सॉल्यूशंस। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये देखिए, पहला सवाल आपसे पूछ रहा है 4.2 का। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वाई इक्वल टू 3x+5, ये कैसी है, वन वेरिएबल की इक्वेशन है कि टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है? टू वेरिएबल सर, वाई और एक्स तो कितने वेरिएबल हैं इसमें? सर, टू वेरिएबल टू वेरिएबल सर, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू होती है, वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इनफिनिटली इन टू वेरिएबल्स, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफिनिटली ठीक है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे मैंने इसके, सर। ठीक है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, निकालते चले जाओगे, आते चले जाएंगे, ठीक है, इसको कई बार काउंटेबली इन्फिनिट भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, बताओ? ये जो इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक यूनिक सॉल्यूशन सर, यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा भाई, क्यों होगा यूनिक सॉल्यूशन? क्योंकि इसमें टू वेरिएबल्स वन वेरिएबल की इक्वेशन है, ठीक सर। है, हाँ, वन वेरिएबल की इक्वेशन है, ये कर देंगे हम इसको 5 - 4, 3x=1, x=1/3 आ जाएगा ये, तो एक ही वैल्यू आती है, यूनिक सॉल्यूशन यानी एक अकेला सॉल्यूशन इसका आएगा, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी। अब ये देखिए, दूसरा सवाल आ गया, तो देखिए दूसरे सवाल में क्या कह रहा है आपको। अब ये देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, तो इसके यस इन्फिनिटली सर, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब उन इन्फिनिट सॉल्यूशंस में से सिर्फ आपसे कह रहा है कि चार बता दो कितने होते हैं, चार सॉल्यूशन बता दो, फोर सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर दो कितने हैं। तो देखिए, बहुत इजी प्रोसेस है बच्चों इसका करने का, ठीक है। आप क्या करो, एक बार इसमें एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दो, ठीक है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए 2 × 0 हो जाएगा इक्वेशन में, तो ये 2 × 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो जीरो। हाँ, 0 + जीरो वाई इक्वल्स टू 7, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवन वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी। सेवन तो ये देखिए, पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया 0, 7, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 7, ये आपको पहला सॉल्यूशन मिल गया। सेकंड सॉल्यूशन देखिए निकालना है, तो आप क्या करो, एक्स की वैल्यू 1 मान लो, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 मान ली, तो क्या लिखेंगे बताओ, अब आप बताओ क्या लिखेंगे। 2 × 1 + y = 7। वेरी गुड, ठीक है, 2 + y = 7, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, y की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। तो ये देखिए, आपका एक सॉल्यूशन ये आ गया, x=1, y=5, 1, 5, ठीक है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप x की ही वैल्यू रखें, आप चाहो तो y की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आप क्या करो, y=0 पुट कर लो, या y=1 पुट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। y=2 पहले 0 पुट कर देते हैं, तो बताइए इक्वेशन कैसी हो जाएगी। बताइए, देखिए 2x हो टू गया, एक्स y की प्लस जगह वाई मैंने 0 लिख टू दिया, फाइव सेवन हाँ, तो ये 2x=7 हो जाएगा। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। फाइव एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव 5 आएगी। x=7/2 बेटा क्या करते हैं, देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको 2 को टाइम के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है x=7/2, ठीक है। तो ये देखिए, x की वैल्यू 7/2 आई, y की वैल्यू हमने 0 मानी थी, तो ये आपका एक और सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो
ऐसे अब चाहो तो देखो, y की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, तो अब आप मेरे को पूरा करके बताओगे कि x की वैल्यू क्या आएगी, बताइए। अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी सर, x की वैल्यू 3 आएगी। थ्री बाकी बच्चे भाई बताओ, ज्योतिरा तो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, बताओ। यस सर 3 आएगी। 3 आएगी। चलिए ये देखिए, यस सर 6 हो जाएगा और हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 6/2 आ जाएगी। 6/2 क्या होता है आकांक्षा? 3 होता है। ठीक है, तो ये देखिए और सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे ही देखिए, आप बहुत सारे निकाल सकते हो सॉल्यूशन, इसने बस हमें 4 बोले थे, 4 निकालने। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए बाकी सवालों के आप निकाल सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या दिया हुआ है बच्चों, इस वाले लीनियर इक्वेशन में? पाई पाई दिया हुआ है। ठीक है, पाई क्या होता है मैंने आपको बताया, जरा समझाओ पाई क्या चीज होती है। 3.14 3.14। अच्छा, और कोई बताओ भाई। बताइए बताइए, बाकी बच्चे भी बताइए, पाई क्या होता है? 22/7 देखिए, पाई एक आपने पढ़ा था ना, रैशनल नंबर पढ़ा था। यस रैशनल सर। नंबर क्या होता था? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, ऐसे कुछ होता। बताओ जरा क्या होता है रैशनल नंबर? ऐसा नंबर जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। पाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पाई एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको तब भी बताया था ये कि पाई की वैल्यू जो होती है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है बच्चों 3.14 के, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7 के। इक्वल टू नहीं होती, एकदम बराबर नहीं होती, याद रखना हमेशा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया तन्मय? ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हो आप। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल इसकी वैल्यू होती है 3.14 के। ठीक है, अगर इतना स्पेशल नहीं होता तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे 3.14 करके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके 9th में एक नंबर का सवाल ऐसे आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे भी सिमिलरली वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक बार आप क्या करना, एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देना। एक्स की वैल्यू को अगर आप 0 पुट करते हो तो ये देखिए पाई मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। पाई से अगर आप 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? जीरो जीरो से आप कोई सा भी नंबर जीरो मल्टीप्लाई करो वो 0 कर देता है उसको। ठीक है, ये 9 है, सॉरी। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या है यहाँ से? 9। ठीक है, तो ये देखिए आपको एक सॉल्यूशन ये मिल गया। नाइन ठीक है, अब आप क्या करो, एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर लो, तो ये हो जाएगा देखिए पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 - पाई। ठीक है, तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके देखिए दो सॉल्यूशंस आप बाकी के खुद भी निकाल लेना। ठीक है, तो इजी है ये। आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है एक बार, तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप वाई की वैल्यू 0 पुट करते हो या कुछ और पुट करते हो, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9/π। तो ऐसे आप इसको सॉल्यूशन निकाल लें आपको सारे इसके। ठीक है, तो ये देखिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दी तो ये देखिए 4y = 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसको, इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर 0 ही आएगा। क्या करेंगे, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 से 4 कैंसिल, वाई की वैल्यू आई 0/4। 0/4 क्या होता है? जीरो 0 ही होता है। तो यहाँ से देखिए क्या आंसर आया, 0,0। ठीक है, अच्छा ये 0,0 किस चीज़ के कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों? ग्राफ ग्राफ में किस चीज़ के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0? किसी चीज़ के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसका नाम होता है कुछ, क्या नाम था उसका? गायत्री बेटा, क्या नाम था उसका?
ओरिजिन यस सर। ओरिजिन। हाँ बेटा, 0,0 किसके कोऑर्डिनेट है? ओरिजिन ओरिजिन के ना, तो ये ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन आया हुआ है। ऐसे देखिए, आप एक बार क्या करोगे, इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे। एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 वन अपॉन फोर। वेरी गुड। ठीक फोर है, अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हम एक्स की वैल्यू ही पुट करें, वाई की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं एक बार। वाई की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? फोर फोर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये 4,1, 1,1/4। ठीक है, चलो, वाई की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर दोगे तो क्या आएगा? टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक सेकंड। एक्स इक्वल टू 2। सही है ये? यस सर। वाई वाई की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? टू। नहीं, एट। 8 8 8 आएगी बेटा। ठीक है, 8 आ जाएगी, 8,2 हो जाएगा ये। बात ध्यान दीजिए। तो ये देखिए सॉल्यूशन है। अब ये देखिए तीसरे सवाल में क्या कह रहा है। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और नीचे देखिए कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बताना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो बच्चों, ये जो पहले वाला पार्ट होता है, देखिए पहला ये मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, 0,2। तो 0 क्या होता है बच्चों, आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, 0 क्या होता है और 2 क्या होता है? जीरो एक्स एक्स एक्सिस पे होता जीरो है एक्स और 2 किस, वाई हाँ 2 किस पे होता है? वाई पे होता है ना। एक्सिस। तो इसको हमेशा इससे कंपेयर करते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, यानी देखिए क्या कह रहा है, जो 0,2 दिया हुआ है, यानी हमें क्या पुट करना है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है? टू। किस में पुट करनी है हमें? इसमें पुट करनी है, एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा भाई, इसको पुट कर देते हैं तो क्या होगा? देखिए, एक्स की वैल्यू आप इसमें 0 पुट कर देंगे, 0, वाई की वैल्यू 2, 2 पुट करनी है। तो ये देखिए 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 0 माइनस 4। ये -4 = 4। अच्छा, ऐसा होता है क्या? नो सर। ठीक है, तो ये एब्सर्ड हो गया। ठीक है, एब्सर्ड। तो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, आप लिख देंगे 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, 0,2 सॉल्यूशन नहीं है। एक बार ये फोर्थ वाला रख के देखें, इसमें रूट यस टू 4√2। ठीक है, इसको आप कंपेयर करिए एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपको √2 रखनी है, वाई की वैल्यू रखनी है 4√2 लीनियर इक्वेशन में। तो ये देखिए x-2y = 4। तो एक्स की वैल्यू देखिए √2 रखी है हमने, 2 की वैल्यू, ठीक है, सॉरी वाई की वैल्यू रखी 4√2। ठीक है, तो भी ये देखिए √2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4√2 कितना हो जाएगा? एट रूट टू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, √2 - 8√2 कितना होता है? सर आपकी आवाज कट रही है। कट रही है मेरी आवाज बच्चों? आपको मेरी आवाज आ रही है सही से? यस सर आ रही है। ठीक है, चलो आ रही है भाई। अच्छा ये बताओ, ये सही चीज आई है क्या आपके सामने जो लिखी हुई है? नो सर। ये भी भाई एब्सर्ड हो गया। ठीक है, ये भी एब्सर्ड है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी सर सॉल्यूशन नहीं है। सर ये वाला फिर से समझे प्लीज। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे इसलिए दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ये √2 यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को इसी में डाउट हो रहा होगा। तो देखिए जो 4√2 लिखा हुआ है आपके सामने, इसका मतलब क्या होता है खुशी बेटा? क्या होता है 4√2 का मतलब?
फोर रूट टू का मतलब क्या होता है, फोर मल्टीप्लाई बाय रूट टू होता है, ठीक है। फोर रूट टू का मतलब क्या होता है, फोर मल्टीप्लाई बाय रूट टू, ठीक है। तो चलो इस सवाल में अब मैं आपको ऐसे ही करके दिखाता हूँ इसको। तो ये एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू फोर था, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, रूट टू पुट करनी है, और वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, फोर रूट टू पुट करनी है। अब देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा अभी टू और फोर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा, एट मल्टीप्लाई बाय रूट टू, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में देखिए रूट टू जो है कॉमन है कि नहीं है, यस सर, ठीक है। देखिए yes, और यहाँ पे जो रूट टू है मैं इसको वन मल्टीप्लाई बाय रूट टू लिख सकता हूँ, इसको yes, लिख सकता हूँ ना, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। तो अब मैं क्या करूँगा, रूट टू को कॉमन आउट ले लूँगा, तो यहाँ पे बचेगा वन माइनस एट, तो वन माइनस एट कितना होता है, माइनस सेवन होगा, ठीक है। तो इसको मैंने फिर ऐसे लिख दिया माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाय रूट टू, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस सेवन रूट टू। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये एब्सर्ड हो जाएगा ये भी। अब समझ में आया ये, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्ड भी हो रहा है तो एक बार ध्यान से देखना, जो इससे पहले वाला तरीका किया वो भी देख लेना, ठीक है, कैसे किया। तो जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हो तो ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपको, तो जो इससे पहले वाला तरीका था उसकी आदत डालो उसको करने की, ठीक है। बोलो भाई कौन yes, बोलो, हाँ तो ये तरीका जो है समझने का। अच्छा थर्ड वाला है इसका आंसर, 4,0। अच्छा yes, ट्राई करते हैं इसको भाई, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो थर्ड कह रही है भाई 4,0 है इसका आंसर, तो x की वैल्यू 4 पुट करनी है और y की वैल्यू 0। तो x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू 4 पुट करनी है, y की वैल्यू 0। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो जाएगा, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा, तो 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ठीक। ऐसे देखिए बाकी वैल्यूज भी आप रख के चेक कर सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इक्वल्स टू टू वाई इक्वल्स टू वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द, देखिए यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = k, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट जो सी वाला पार्ट था ये के दे रखा है, हमें पता नहीं है, कह रहा है भाई वैल्यू बताओ इस के की क्या होगी, बट उसने क्या कर रखा है, हमें सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है उसने सॉल्यूशन, बेटा मेरी आवाज कट के आ रही है, बेटा आपकी थोड़ा कनेक्शन में गड़बड़ होगी, आप थोड़ा बाहर निकल के बैठो उसमें, ठीक है, टावर में कुछ दिक्कत आ रही होगी। तो x की वैल्यू 2 पुट करनी है, y की वैल्यू 1 पुट करनी है, जब आप पुट करोगे आपको पता है कि ये सॉल्यूशन, इट इज गिवन दैट दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। तो आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा, 2 2 4, 3 1 3, 4 + 3 कितना होता है, 7। तो k की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 7, बस हमें इसमें पुट करना है, ये सवाल आपका एक नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखो कैसे करना है, प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। तो ये देखिए आपकी वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई। चलिए ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा इसका वो चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए लीनियर इक्वेशन जो होती है ये ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, आप में से कई बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। चलो इसको एक बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं,
अब आप मेरी पूरी स्क्रीन दिखाई देगी अब आपको, दिख रही है स्क्रीन? यस सर, ठीक है हाँ सर, यस सर, यस सर, ठीक है, चलो ठीक है भाई। जियोजेब्रा आ गया। जियोजेब्रा कोई चलाता है अभी आप में से? तो कोई चलिए मेरे को बताइए, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कोई बताओ भाई जो इसमें मैं एंटर करूं। आप अपनी तरफ से बताओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल दो। 2x प्लस y y इज इक्वल्स टू 10। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। भाई किसका माइक पीछे कुछ चल रहा है, बंद कर लो। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो ये देखिए यहाँ पे इसका कुछ बन के आए, क्या चीज़ बन के आई है बच्चों? ये काले कलर में जो आई है क्या है ये? इंडिकेट कर रहे हैं वो नंबर्स दो। ये देखिए इसका हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ क्या चीज बनी है बच्चों? इसकी इस शेप को कुछ कहते हैं, जो ग्राफ बना है बच्चों देखो क्या इस शेप को क्या कहते हैं जो काले कलर में बनी हुई है, इसका क्या नाम है? चलो भाई इसका कलर चेंज कर दिया, जो रेड कलर में चीज आई है इसका नाम क्या है बच्चों? नाम नहीं पता आपको इसका? क्या ये श्रीजा बेटा, क्या है ये बताओ? ग्राफ पे ये रेड कलर की एक लाइन कुछ खिंचा हुआ है, क्या कहते हैं, क्या उस बोलते हैं इसको? लाइन को लाइन है ये, लाइन ही है ये, इसको क्या कहते हैं? लाइन लाइन है ये, लाइन है ये, ठीक है? ये क्या है? लाइन है बच्चों। लीनियर इक्वेशंस का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, इसके देखिए नाम में ही लिखा हुआ है लीनियर, जो ये लिखा हुआ है ना लीनियर, ठीक है, तो इसके नाम में लिखा हुआ है, जब इसका ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा? लाइन 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 बनेगी, ठीक है? जब भी कोई ग्राफ बनेगा तो लाइन बनेगी इसका, और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? सॉल्यूशन अब देखो इस लाइन पे तो इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स आ सकते हैं, है ना? यहाँ पे भी देखो, यहाँ से एक पॉइंट उठा सकता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए जितने चाहो उतने पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये एक पॉइंट आ गया, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों, देखिए जैसे ये 3.14, सॉरी 3.92, 3.42, देखिए लेफ्ट में जो आ रहा है, तो ऐसे ही इस लाइन पे देखिए अनगिनत पॉइंट होंगे, और इस सारे के सारे इस लाइन इसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है? इसलिए बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं, इसीलिए होते हैं, ठीक है? चलो भाई ग्राफ देख लिया आपने इसका। अब देखिए यहाँ पे एक रिमार्क लिखा हुआ है, जरा रिमार्क कोई पढ़ो जल्दी से। तन्मय सागर बेटा रिमार्क बताओ क्या लिखा हुआ है? तन्मय सागर, सर मैं पढ़ूं श्रीजा, हाँ द बताओ ग्राफ बेटा, ऑफ इक्वेशन, चलिए तन्मय ही पढ़ रहा है, बोलो बोलो तन्मय, बोलो। द ग्राफ्स ऑफ डिफरेंस ऑफ इन द लाइन व्हिच ऑलवेज पेरेज थ्रू द ओरिजिन। अच्छा इसका मतलब क्या है, समझा दीजिए एक बार, क्या कह रहे हैं? देखिए ये कह रहा है कि ग्राफ ऑफ प्रेजेंट द, क्वेश्चन है पॉसिबल, हाँ बोलो बोलो, चलो बोलो। सर जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू के एक्स वो हमेशा लाइन में ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है? देखिए हमारा 0.0 कोऑर्डिनेट होता है ना हमारा, तो
तो देखिए कह रहा है लीनियर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल्स टू के एक्स, जो होती है हमेशा ओरिजिन से पास होगी. फॉर एग्जांपल देखिए वाई इक्वल्स टू टू एक्स, वाई इक्वल्स टू टू एक्स जो है हमेशा ओरिजिन से पास होगी. ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल्स टू टू एक्स, तो ये देखिए कहाँ से पास हो रही है, ब्लैक रंग में देखो कहाँ से पास हो रही है, दिख रही है एकदम बीच में, जीरो जीरो से जा रही है. देखो जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मीट कर रहे हैं वहाँ से देखो पास होते हुए जा रही है. यस सर, है ना, दिख रहा है. yes, sir. अच्छा, ऐसे ही अगर आप लिखते हो y इक्वल्स टू टेन एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू टेन एक्स, ये भी देखिए ओरिजिन से पास करेगी, y इक्वल्स टू टेन एक्स, ये देखिए दूसरी लाइन बनी है. ठीक है, ये y इक्वल्स टू टेन एक्स दूसरी लाइन है. ऐसे ही आप अगर आप लिखते हो y इक्वल्स टू 9.5x, 9.5x, सॉरी इसको दूसरा ले लेते हैं, 4.5x कर लेते हैं, ये भी देखिए जीरो से पास करेगी. सारी की सारी लाइनें देखिए जीरो से पास कर रही हैं. तो वो यही कह रहा है, चाहे इस फॉर्मेट में हो, चाहे 4.5x हो, चाहे y इक्वल्स टू हाफ एक्स हो, सारी की सारी जो लाइंस जो इसकी ग्राफ बनेगी सारी की सारी ओरिजिन से पास करेंगी. इसमें आप बना के देखो इसको, चाहे y इक्वल्स टू 10,000x भी ले लोगे ना तब भी वो इसी से पास करेगी. देखो y इक्वल्स टू 10,000x भी लोगे तो ये देखिए x एक्सिस के करीब, सॉरी y एक्सिस के करीब ड्रा हो गई है. ध्यान से देखो y एक्सिस के, सॉरी x एक्सिस के करीब ड्रा हो गई है. इसका कलर चेंज करना पड़ेगा तो आपको दिखेगी. इसको मैं रेड से कर देता हूँ, तो ये देखिए एकदम इसे सट के बन गई है ये लाइन. समझ में आया y इक्वल्स टू के एक्स फॉर्मेट? यस. ठीक है, पास करने का मतलब, ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या होता है कि जो 0,0 होगा ये भी इसका सॉल्यूशन होगा. इस फॉर्मेट की इक्वेशंस जितनी भी होती हैं इसका ये सॉल्यूशन होगा, 0,0 हमेशा. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. देखिए अभी जो आप जिस तरह की ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ दो पॉइंट्स की जरूरत होगी, ओनली टू कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, तो आपको बस इन लीनियर इक्वेशंस के सिर्फ दो सॉल्यूशंस पता लगाने हैं. जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर जो दिया हुआ है इसके सिर्फ दो सॉल्यूशंस आपको पता लगाने हैं और आप वो जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हो. तो पहला सॉल्यूशन निकालेंगे इसका. पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए अब आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या रखें, वाई की वैल्यू क्या रखें, अब आप बताइए. सर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1,1 आएगी ना? सर एक्स की 2 ले. देखिए एक्स की वैल्यू एक बार 2 ले लेते हैं. ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर आप 2 ले लेते हो तो इसमें पुट कर देते हो तो ये देखिए 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 2. वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है, तो ये देखिए हम हमेशा कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई की फॉर्मेट में लिखते हैं. तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 2,2. ठीक है, अब एक और पॉइंट चाहिए होगा हमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए. हमें मिनिमम दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कम से कम दो पॉइंट्स. ठीक है सर, तो दूसरा एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं बताओ, या वाई की कुछ वैल्यू ले सकते हैं तो बताओ. -2. किसकी वैल्यू, एक्स की कि वाई की? सर एक्स की. चलिए एक्स की वैल्यू अगर आप -2 ले लेते हो, ठीक है, तो ये -2 प्लस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो ये -2 राइट हैंड साइड जाके +2 हो जाएगा. तो y की वैल्यू क्या मिली आपको? 2, 6 मिलेगी. y की वैल्यू में 6 मिलेगी. तो ये देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिल गया. ठीक है, तो ये बताइए जो पहला कोऑर्डिनेट है बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट में? 2,2. 2,2 कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? ये देखिए आपके सामने इसको ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, ये देखिए ग्राफ आपको, देखिए सारे के सारे ग्राफ पेपर में बनाने हैं बच्चों. ठीक है, ग्राफ पेपर में आपको बनाना है
तो ये देखिए ग्राफ पेपर आ रहा है, तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला है बच्चों यहाँ पे? पहला पॉइंट क्या है, क्या है? 2,2। तो 2,2 कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक्स पे 2 और वाई पे 2 लाइन। अब दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। तो देखिए x पे 2 देखना है हमें, y पे 2 देखना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, 2,2 सही बनाया है, यस सर, टू यस कॉमा सर। टू इधर कहीं आएगा। अच्छा दूसरा पॉइंट कहाँ पे है? -2,6। -2,6। तो -2 कहाँ पे है, 6 कहाँ पे, कैसे लेंगे इसको? एक्स पे -2 लेना, एक्स पे माइनस टू सर जाएंगे, वाई पे माइनस, वाई पे 6 लेंगे, तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे आएगा -2,6। ठीक है, दो पॉइंट हमें पता चलते ही क्या करेंगे हम, स्केल लेके लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्केल लेके लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये और ये बन जाएगी हमारी लाइन। ठीक है, हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। देखिए जियोजेब्रा ने हमें ऑटोमेटिकली बता दिया कि लाइन की इक्वेशन क्या है, दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड? यहाँ पे देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि ये यस सर, लाइन की इक्वेशन ये है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये बिल्कुल यस हमारा सर, सही बना है। ठीक है, तो आपको ग्राफ पेपर पे लेके ड्रॉ करना है बच्चों इसको। ठीक है, एक्सिस कोऑर्डिनेट जितने भी हैं अच्छे से ड्रॉ करके बनाइएगा उसमें। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। कौन सी करें आप लोग, खुद कर सकते हो बाकी ये ड्रॉ? ठीक है, आपको सिर्फ दो पॉइंट्स की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में क्या करेंगे आप, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, वाई की वैल्यू आ जाएगी -2, ये आ जाएगा 0 माइनस 2। याद इसकी वैल्यू पुट कर दो, अब वाई की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू टू, वेरी गुड, 2 आ जाएगी, तो यह आ जाएगा 2,0। तो दो पॉइंट्स हमें मिल गए, 0,-2, 2,0। तो ये देखिए पहला पॉइंट है 0,-2। तो भाई ये 0,-2 जो है कहाँ आएगा, ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में आएगा कि किसी एक्सिस पे आएगा, बताओ सर? एक एक्सिस पे। ठीक है, ये 0,-2 किस पे आएगा, 0,-2 किस पे आ जाएगा? एक एक किस पे आएगा 0,-2, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ 0,-2 किस पे आएगा? माइनस वाई एक्सिस पे आएगा ना, 0,-2 ना, ये देखिए 0,-2 जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए किया, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गया 0,-2। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट है हमारा 2,0, 2,0 किस पे आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा 2,0, एक्स एक्सिस पे आएगा ये 2,0, देखिए यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते जा रहा है, 0,-2, 2,0। अब देखिए बस हमें दो पॉइंट्स मिल गए, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए लाइन बन गई आपकी, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड लाइन की इक्वेशन भी लिखी आ गई, -x + y = -2। ठीक है, -x + y = -2। ठीक है, तो ये दोनों देखिए इक्वेशन सेम ही है, अगर आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही इक्वेशन वापस आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इक्वेशन है, बाकी इक्वेशन आपको ड्रॉ करके देखिए, इन सबकी दो कोऑर्डिनेट्स निकालिए और आप ड्रॉ कर सकते हो उसको। यस सर, देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। देखिए 2,14 एक पॉइंट है, 2,14, अच्छा ये देखिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, 2,14, ये देखिए 2,14 मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे जियोजेब्रा, सॉरी 16 पे कर दिया मैंने, 2,14।
2,14 ये रहा। ठीक है, ये देखिए पॉइंट प्लॉट कर दिया 2,14 दिख रहा है आपको। तो बोल रहा है इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं, आपके हिसाब से कितनी लाइनें पास कर सकते हैं इस पॉइंट से। जीरो नहीं, जीरो नहीं बेटा, देखिए ये पॉइंट है, यहां से देखिए मैं एक लाइन ऐसे पास करा सकता हूँ, देखिए ठीक है, एक लाइन ऐसे पास करा दी, एक लाइन ऐसे पास करा दी, देख रहे हो। यस सर, एक लाइन बीच में से भी हो एक सकती है लाइन ना? ऐसे पास करा सकते हैं, एक लाइन ऐसे पास करा सकता हूँ मैं, एक लाइन ऐसे पास करा सकता हूँ, एक लाइन ऐसे पास करा सकता हूँ, एक लाइन में ऐसे पास करा सकता हूँ, एक लाइन में इधर से पास करा सकता हूँ, एक लाइन में इधर से पास करा सकता हूँ, कितनी लाइनें पास करा सकते हैं हम यहाँ से। श्योर? ठीक है, जितने मेरे मन में आएगी मैं उतनी लाइन्स यहाँ पे इसे पास करा सकता हूँ। ठीक है, तो इन्फिनिट मैनी लाइन्स कैन बी, तो आप लिख देंगे यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2,14। ठीक है, तो उसमें से बोल रहा है कि उसमें से जो इन्फिनिटली मैनी लाइन्स है उसमें से किसी दो का हमें इक्वेशन बता दो क्या होगी, बस उसने ये बोला है। तो इक्वेशन कैसे पता लगाएंगे हम उसका? एनी आइडिया? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, जल्दी से बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है ना, और हमें यहाँ पे देखिए एक्स और वाई ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 14b हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये 2a प्लस 14b प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी की वैल्यू 0 मान लो, ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू 0 मान लो, ये हो जाएगा 2a माइनस 14b, ठीक है, 2a इसको डिवाइड कर लोगे तो ये जाएगा माइनस 7b, और b की वैल्यू कुछ मानो आप, कुछ भी मान लो, 1, 2, 3 कुछ भी मान लो, ठीक है, या 0 मान लो, आपकी मर्जी है। अगर आप बी की वैल्यू 0 मानते हो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन में अगर आप पुट करते हो तो? सर 7 माइनस 7 और माइनस 7 बी की वैल्यू अगर आप करते हो है ना 0 पुट करते हो तो माइनस 7 हो जाएगी। बेटा मैंने आपको क्या बताया, अगर बी की वैल्यू 0 जाएगी और 7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, बी की वैल्यू अगर आप 1 मानते हो तो ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 7 आएगी बेटा। ठीक है, देखिए दो वैल्यू आपको पता लग गई, यानी जो इक्वेशन है देखिए ध्यान से देखिए, आपको ए और बी की वैल्यू पता लग गई, तो ये देखिए एक और ले लो नॉन जीरो भाई, ए बी, बी की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं बी की वैल्यू 2 ले लूँ इसमें पुट कर दूँ तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हमें, बताओ? माइनस 14 माइनस 14। ठीक है, तो ये देखिए कुछ वैल्यूज हमें मिल गई, बस आपको ये इसमें पुट करनी है बच्चों, इसमें पुट कर देनी है। सी को हमने देखिए 0 माना हुआ था, ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन जो है यहाँ से पास करेंगी, तो ये हमने पुट कर दिया भाई ए और इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस 7x, P की वैल्यू है 1, तो ये y इक्वल्स टू 0, ये लाइन जो है उस पॉइंट से पास कर जाएगी। सर हाँ, अगर b इज इक्वल टू 3 लिया तो तब a भी इज इक्वल टू
कुछ ना कुछ तो आएगा बेटा, ठीक है, वो सब इसके आंसर होंगे। -14x + 2y = 0, ठीक है। तो ये देखिए, आप बहुत सारे इससे लाइंस की इक्वेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए, जो मैंने ड्रॉ करी हैं इतनी सारी लाइनें, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड उनकी इक्वेशंस ड्रॉ होती चली जा रही हैं, देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सब भी इक्वेशंस है, तो आपको अनगिनत इक्वेशंस मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। उसमें से कोई सी भी आपको दो बतानी है बस। ओके सर। तो आकांक्षा अभी क्या कहती, बी की वैल्यू 3 लेने के लिए या -3? यस सर। बी की वैल्यू अब -3। अच्छा, तो सिर्फ 21 -21 आएगा ना, +21 आएगा, +21, ठीक है। तो एक और आपको मिल जाएगी भाई, 21x - 3y = 0, ठीक है। तो चलो भाई, ये टाइम हो गया और आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं। कौन कौन आया, मैं नाम लेता हूँ तो बताना भाई कौन कौन आया। आदिति आई है क्या? आदिति प्रेजेंट सर। अयो ठीक है।